let us make a system which can put or assimilate every kind of philosophies, and like we take something and we keep crushing it, pantheism, take a pan and put all theos in it, all the gods in it, and then keep, you know, doing like that, and at the end take that powder or whatever and take it. So universalism, nothing will be there to catch you. Aur is tarah karte karte ye log is natije pe pahunche hain jisko aaj hum janam dete hain, ya hum kehte hain word atheism, skepticism, agnosticism. Inka wajood aur janam lega, aur iske jo main source hai wo hai universities. Gala to ghond diya ahle madrasa ne tera, kahan se laaye sada la ilaha illallah. क्या अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहां से लाएं? अब तो ये गला घोंट दिया हुआ है, अब तो मगरबी तहजीब के पीछे तुमने तालीम अगर ना हासिल की, तुम्हारा कोई कैरियर ही नहीं होगा. जब तुम्हारा कोई कैरियर नहीं होगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारा घर नहीं बनेगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी. इन वर्ड्स तुम एक घटिया तरीन इंसान हो जाओगे. बस ये हमारी ब्रेन वॉशिंग है. ना कोई अल्लाह पे भरोसा, ना किसी कोई जात पे भरोसा, ना कोई स्पिरिचुअलिज्म पे भरोसा. सब मादा परस्ती. कोई रूहानियत नहीं होती, कोई दवा नहीं होती, सब दवा होती है. दवा, मेडिसन पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, ये शिफा विफा जो है अल्लाह का काम थोड़ी है. नबी पाक ने क्या फरमाया, सुने ये हदीस और ये डॉक्टर्स भी सुने. नबी ने फरमाया हर बीमारी के साथ अल्लाह ने उसकी शिफा या दवा नाजिल की है, और वो दवा असर करती है अल्लाह के हुक्म से. ये है हदीस, अल्लाह के हुक्म से वो असर करती है, और फिर तुम क्या होते हो, शिफा हासिल कर लेते हो. लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी इलम, उसकी दवा का इलम कुछ रिजाल, कुछ मर्दों को, यानी मतलब तुम लोगों को इलम नहीं है. मतलब हर बीमारी की दवा भी नाजिल हुई है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने की है, लेकिन तुम में से अक्सर लोग उस तक नहीं पहुंचे, उस इलम तक नहीं पहुंचे. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि हर दवा असर करती है अल्लाह के हुक्म से. ये है हदीस पूरी. ये है ना कि भाई दवा खा ली तो वो जी, इसलिए अगर आप दवा खा के समझते कि दवा ने शिफा दी, ये शिर्क है. किसी से पता कर लीजिए, किसी भी चीज गैर अल्लाह से अगर आपने मदद ली और आपने यकीन ये रखा कि ये चीज मुझे शिफा दे रही है, ये शिर्क है. तो बस ये पॉइंट नोट करें. ये सारा जो इवेंट क्रिएट किया कि डॉक्टर खुदा हैं, ये शिर्क करवाया लोगों को, और फिर जदीद चीजों की तरफ रुख किया. ये यूरोप के अंदर पोप जो था उससे कटवाया इन एजेंसियों ने, या एजेंसी नहीं सीक्रेट सोसाइटीज ने, सॉरी एजेंसी नहीं सीक्रेट सोसाइटीज ने, ये जो फ्री मेसन है करते करते, ताकि पोप कटे. पोप कटेगा तो यूरोप में दीन आएगा, ये इल्म ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लें, या मॉडर्न रेनेसेंस रेफॉर्मेशन कह लें, आलूम हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, इसका जो आएगा दौर, उसके अंदर यूरोप के अंदर हम लोग खड़े करेंगे और अपने मकासिद पूरे करेंगे, क्योंकि पोप जो था वो फलसफे नहीं पढ़ने देता था. तो इस तरह से इन लोगों ने किया. अब मुसलमानों का जो तमाम इलम था अल्लाह के लिए, खून आंख देख, जमीन देख, फलक देख, ढलते हुए सूरज को जरा गौर से, ये सारी चीजें कुरान कहता है कि आसमान देखो, जमीन देखो, बाहर देखो, बेड़ी जहाज देखो, ये तायरा देखो कैसे उड़ता है, परिंदा कैसे उड़ता है, ये सारे फलसफे दीन के, इल्म के, अलूम के, इनको लेके मैनिपुलेट करके इसको ईविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया. ये हुआ, ये दज्जाल का मेन मकसद था. अल्लाह ने यह कायनात बनाई, अल्लाह को कर वो है ना, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है, फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा इस सहराई या मर्द कोहस्तानी. या तो मर्द है जो माउंटेन्स पर है और अल्लाह की बात जात को देखता है, महसूस करता है, और दूसरा जो है वो सहरा में है. आज सहरा भी बंद कर दिए और पहाड़ों पे चढ़ के भी बंद कर दिए. आज इतनी रोशनी है शहरों में कि अल्लाह के वो सितारे जो है, जिसको अल्लाह से करीब करते हैं, वो खत्म हो गए. साल इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वर्स 200 में कि जो इंसान मेरे आसमान के सितारों को देख के मेरे बारे में सोचता है, उस पर रहम करेंगे. यह कुरान क्या आयत है, आपको पता ही नहीं है शायद लोगों को अक्सर. ये तो देखना, तफक्कुर करना, अल्लाह ताला ने कहा ये तो पसंद किया है. अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा.
अल्लाह पाक फरमाते हैं चैप्टर 4 वर्स 82 सूरह अन-निसा के कुरान पे तदब्बुर करो, गौर करो, तफक्कुर करो। अगर तदब्बुर ही नहीं करना कुरान पे तो फिर आप तो वही है ना, आपका तो रेशियल क्रीड है। आप मुसलमान के घर पैदा हो गया, मुसलमान हो, जिस तरह आज क्रिश्चियन कर रहा है, आप उसमें क्या फर्क हुआ फिर? आप तो बाय स्टैंप हो ना मुसलमान, तो क्या अल्लाह ताला ने आपसे जिम्मेदारी नहीं लेती? ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे अंदर। आपको लाल लगे हुए थे कि अल्लाह ताला ने उसको कम प्यार किया, आपको ज्यादा प्यार किया, ये जस्टिस ही नहीं है। आप बताएं मुझे कैसे जस्टिस हुआ? जस्टिस तब हुआ जब अल्लाह ने आपको पैदा किया मुसलमान के घर और आपको कहा कि जाओ जाके अल्लाह का पैगाम दो, फिर आप इस जस्टिस से निकलेंगे, नहीं तो क्यामत के दिन आप इसके जिम्मेदार हैं। हर मुसलमान जिम्मेदार है अगर उसने दावत का काम नहीं दिया अपनी जिंदगी में। याद रखिएगा, अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया था कि आप इस पैदा हो गए और आने में आप जन्नत जाएंगे, क्योंकि आप स्पेशल थे, आपकी रूह को स्पेशल कोवेनेंट लेकर आई अल्लाह ताला से। ये आपका सारा ये है ना गलत फहमी है। हर मुसलमान दुनिया में जो आए से नबी का कलमा पढ़ा है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, उसको पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पहुंचाना है, बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तमाम मुसलमानों को क्यामत तक ये पैगाम दे दिया है कि कुरान सुनो और सुनाओ।